आगे की दूसरी किताबें बताती है कि गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी गोहिल वंश की, लिखो। इसका मतलब गोहिलों ने कितनी जगह राज किया होगा, 24 जगह, लिखो। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी है 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी है 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। अब गोहिलों ने कहां कहां राज किया था, अपने राजस्थान जी के पढ़ रहे थे, अपने राजस्थान में पढ़ेंगे कहां कहां राज किया था। लिखो गोहिल रियासतें, गोहिल स्टेट्स, कि गोहिल कहां कहां राज करके। तो अपने पहले लिख लेते हैं इनकी रियासतें कौन कौन सी। सबसे प्रोमिनेंट रियासत तो कौन सी है, मेवाड़। मैं नहीं बताता तो भी आप जानते हो। फिर इधर से इनके कोई भाई चले गए थे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कौन सा वंश था, गोहिल। फिर उधर ही आपके एक पड़ गया आपके प्रतापगढ़, और एक आपके भीलवाड़ा में एक जगह का नाम सुना हो तो आपने शाहपुरा। ये अपने गोहिलों की मुख्य मुख्य रियासतें थी राजस्थान में। कौन कौन से बताओ, देखिए मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। तो कोई पूछे भाई राजस्थान में गोहिलों ने कहां कहां राज किया था, इनमें से कौन सी जगह पे राज नहीं किया था। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, बीकानेर। तो कहां पे नहीं किया, बीकानेर। कहां कहां पे किया था, तो कहां कहां पे किया था, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा मतलब भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा ना। तो ये अब इनमें से एक एक का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लिखो मेवाड़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास, गोहिल वंश था मेवाड़ में। एक बात वापस रिपीट कर लो अपने, मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। अच्छा, मैं नॉर्मली अपने जब बोलते हैं मेवाड़, मैं आपसे पूछ लूंगी मेवाड़ का मतलब क्या था, आपको सर उदयपुर साइड वाला। बेसिकली चार डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इनको क्या बोलते हैं अपने मेवाड़। क्योंकि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो अलग ही निकल गए आपके, तो वो तो अलग वाला, वो वागड़ है। वो कौन सा इलाका अपना, बेसिकली इसको मेवाड़ अपने कहते हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पूरे तो ये तीन ही है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है, पर भीलवाड़ा का कुछ पार्ट भी इसी के अंदर आता था। शाहपुरा अलग, इनसे टूट के अलग हुआ था। तो आप चार मान लो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये इसलिए लिखने नहीं है, याद रखने, ये इसलिए भी याद रखने हैं कि आप देखोगे कि अगले 7-8 दिन तक जब तक हम गोहिल, सॉरी मेवाड़ पढ़ेंगे, तब तक आप चेक करोगे कि जैसे मैंने कोई मंदिर लिखवाया तो आपका सवाल होगा सर कहाँ है, वो इन चार डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, या तो उदयपुर में, या चित्तौड़ में, या राजसमंद में, या भीलवाड़। मैंने कहा कि ये फलानी संधि हुई, आप पूछो सर ये जगह कौन सी पे, या वो उदयपुर में, या चित्तौड़ में, या राजसमंद में, या कहां पे, भीलवाड़। इसका मतलब ये इलाका क्या कहलाता है, मेवाड़। अच्छा, आज इसको अपने मेवाड़ कहते हैं, पहले इसको मेवाड़ नहीं बोला करते थे। पुरानी किताबें जो मिलती है उसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ है मेदपाट। क्या नाम लिखा हुआ है, मेदपाट। फिर पूछा भाई इसका नाम मेदपाट क्यों रख दिया, इतिहासकार कहते हैं कोई मेद नाम की एक जाति थी, उसने यहां पर राज किया, उस मेद नाम की जाति ने राज किया, मेद नाम की जाति यहां रहती थी, इस वजह से नाम क्या पड़ा। अब कोई कहता वो मेद नहीं थी, वो मेव थे, कोई कहते वो मेव नहीं थे, मेर थे, पर ऐसा कुछ मैं जैसा कुछ नाम था जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा। एग्जैक्टली नहीं पता कि वो मेद थी, मेव थी, मेवल थी, मेर थी, पर ऐसा कोई नाम की जाति रही जिस वजह से नाम क्या पड़ गया। कई जगह इसका नाम हमें मिलता है प्रागवाट। क्या नाम मिलता है इसका, मेवाड़ की किसी एक राजकुमारी की शादी जबलपुर की हुई थी, मध्य प्रदेश में जबलपुर जगह, और जबलपुर के पास से उस रानी का एक अभिलेख मिला। जबलपुर की रानी होगी, मेवाड़ वालों की राजकुमारी थी, और उसके अंदर वो लिखवाती है, सह गर्व लिखवाती है कि मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूं, मैं कहां की राजकुमारी हूं। पर उसका जब चेक किया कि पापा के नाम और पति के नाम पर चेक किया तो कह रहे तो मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसका मतलब मेवाड़ वाले इलाके को और किस नाम से जानते थे, प्रागवाट। फिर कहते हैं पठारी भूभाग था, पूरा प्लेटू एरिया है, ये बिजोलिया से लेके उधर चित्तौड़ तक पूरा ऊपरमाल का पठार है। इधर आओगे तो पूरा भौमट का पठार है, पूरा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने की वजह से क्या नाम पड़ गया होगा। ऐसा कहते किसी टाइम में यहां पर एक जाति ने राज किया था, सीवी। कौन सी जाति ने राज किया, तो सीवी जाति ने राज किया, उनका राज्य था, राज्य को बोलते हैं जनपद।
राज्य क्या बोलते हैं? ऐसा कहते हैं कि सिवी जाति पहले पंजाब रहा करती थी। कहां रहा करती थी? पंजाब के अंदर रहती थी। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, वो पंजाब में सिवी हार गए, वहां से राजस्थान की तरफ आगे बढ़ गए थे और राजस्थान में चित्तौड़ आके रहने लग गए थे, इसलिए सिवी जनपद चित्तौड़ के अंदर आ गया, मेवाड़ के अंदर आ गया। तो कोई पूछे सिवियों ने कहां राज किया, तो मेवाड़ में। मेदपाट या प्रागवाट भी किसको कहते हैं? मेवाड़। तो मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या हो गए? मेदपाट, प्रागवाट और सिवी होता था मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। क्या क्या नाम बताओ देखे? मेदपाट, प्रागवाट या सिवी। सिंपल कोई पूछे सिवी जनपद कौन सा इलाका था? मेवाड़। मेवाड़ को प्राचीन काल में क्या कहते थे? प्रागवाट या मेदपाट या क्या कहते हैं? सिवी। यहां गोहिलों का पहला कोई बड़ा राजा बना, वो राजा है बापा रावल। वो राजा कौन है? वो बप्पा का, दो बापा का, दो बपजी का, दो कुछ ही का, दो बोले इसको लिखो बापा रावल। कौन राजा? गोहिल से नवे नंबर पे जाके आता है। इससे पहले आठ बन गए थे गोहिल से लेके यहां तक, ये नवे नंबर पर वहां जाके आता है। पर जो इससे पहले वाले आठ बने में उनके बारे में अपने पास कोई जानकारी नहीं। यदि सामोली वाला अभिलेख नहीं मिलता तो हमें शिलादित्य के बारे में भी नहीं पता चलता कि उसके टाइम में जावर माता का मंदिर बनवाया गया था। नाम है इनके सारे अभिलेखों में, सारी प्रशस्तियों में पीढ़ियों के नाम लिखे हुए, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, पर उन पहले वालों की जानकारियां नहीं। जिस आदमी की जानकारियां मिलने लगती है वो कौन है? इसका मतलब है बापा रावल से पहले छोटे मोटे जमींदार थे, पहला बड़ा राजा इनके अंदर कोई बना होगा, तो कौन बना होगा? तो जानकारियां तो उसी की मिलेगी जिसने कोई ढंग के काम किए होंगे, तो बापा रावल ने ढंग के काम किए होंगे। अच्छा, हमें अभिलेखों में मिलता है कि इसका नाम मिलता है काल भोज। क्या मिलता है? लिखो पहले था वास्तविक नाम काल भोज, एक्चुअल नेम काल भोज। वास्तविक नाम क्या? कालभोज। वो भी हुआ क्या, इसका ज्यादातर जगह नाम बापा रावल ही है, अभिलेखों में बापा रावल है, किताबों में बापा रावल है। ओझा जी शायद कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को दोनों को बराबर मिला के देख रहे थे, और उनमें किसी एक प्रशस्ति के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है कालभोज, उसमें बापा रावल नाम ही नहीं पढ़ रहे, गुहिल उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद कालभोज। कालभोज कौन है? और किसी अभिलेख में और किसी प्रशस्ति में नाम नहीं, बस जोड़ने शुरू किया, इससे पहले ये है, इसके बाद ये, इसके पहले बीच में नाम बापा रावल है, जबकि यहां बापा रावल का नाम गायब है, यहां पर नाम किसका है? कालभोज। तो बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई बापा रावल का एक नाम और है, वो क्या है? काल। तो फिर कहा बापा रावल क्या है? यदि नाम इस आदमी का कालभोज है तो बापा रावल क्या है? तो कहा रावल का तो मतलब ही राजा होता है, रावल तो उपाधियां हुआ करती थी। हम पढ़ते हैं कि आबू के परमार राजा विक्रम सिंह ने रावल तथा महारावल की, एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल। क्या होता है? राजकुल से संबंधित व्यक्ति, तो धीरे धीरे उनका नाम क्या पड़े होंगे? रावल। और इस प्रकार के टाइटल अपने हुआ करते हैं, रावल होता था, रावत हुआ करता, राजा हुआ करते, राणा हुआ करते, राय हुआ करते, राव हुआ करते, ये प्रकार के टाइटल राजा लगाया करते थे। तो रावल नाम का तो मतलब ये कि ये राजा है, इसके नाम का रावल लगाओ इसका मतलब क्या है? ये बापा क्या है, इसका क्या मतलब है? क्या ये गुजराती भाषा का असर है? गुजरात साइड में आज भी कोई पूजनीय, आदरणीय, रेस्पेक्टेड बंदा जो होता है उसको बोलते हैं बापू। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी इसलिए बापू है कि गुजराती है, इसलिए नहीं कि डोकरे हैं, वो गुजराती थे। गुजरातियों को कोई भी सम्माननीय आदमी होता है उसको बोलते क्या है? बापू। इसलिए मुरारी बापू गुजराती है, इसलिए आसाराम के नाम के आगे भी बापू गुजराती है। भाई ठीक है, आज पकड़ा गया, जब तक 10 साल पहले नहीं पकड़ा गया था सम्माननीय तो था, ये तो मानना ही पड़ेगा, लोग पूजा तो कर ही रहे थे, अब भी लोग पूजा कर रहे। आज भी पैसे के लिए जहां पर जोधपुर कोर्ट में जहां पर भी उनकी वो है वहां पे पैसे के लिए लेके जाते हैं, तो लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसकी मिट्टी उठा उठा के लेके जाते हैं, मिट्टी को माथे पे लगाते हैं। तो जो मानते हैं उनका तो विश्वास आज भी कम नहीं हो रहा, आप और मैं पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। तो अपने तो भले पहले भी हंसी रहे थे, आज भी हंसी रहे, अपने से क्या फर्क पड़ता है? जो मानते थे उनके लिए तो पहले भी बापू था, आज भी बापू उनके। तो बापू का जो नॉर्मल मीनिंग ही है, गुजरात में किसी रेस्पेक्टेड बंदे को कहीं क्या कहा जाता है? ये आईपीएल वाली कमेंट्री सुना करो आप, तो
और जिस गुजरात का मैच हो उस दिन इरफान पठान को सुन लिया करो, इरफान पठान खुद गुजराती है, गुजरात मैच कर उस दिन सारा कहता आज बापू जीतेंगे, कौन बापू, वो गुजराती है इसलिए सारे के सारे क्या है। मैं दिन सुन रहा था अक्षर पटेल को न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज मिला था, मुरली कार्तिक उसका इंटरव्यू ले रहा था और मुरली कार्तिक ने पूछा बापू कैम छो, लगा अक्षर पटेल तो 26-27 साल का है, जल्दी बापू नहीं बना लिया आपने। तो बापू का मतलब ही गुजरात में रेस्पेक्टेड बनता है, वो टच अपने इधर राजस्थान पे आता है, इसलिए अपने लगभग राजस्थान में मिल जाएगा, मेवाड़ वाले इलाके में ज्यादा मिलेगा कि भगवान को बाप जी कहते हैं, भगवान को क्या कहते हैं। इसलिए लोग अक्सर जब मंदिर जाके आते कोई पूछे कहां जाके थे, बाउसिन जाना है, बाउसी जाना है, बाउजी जाना है, बाप जी के जाके आए थे, और अपने राजाओं को आज दिन तक बाप जी कहते हैं, अभी तक भी राजाओं के बारे में और बाप जी का निगाह देते हैं। मैंने जोधपुर राजा के लिए जोधपुर के लोगों से खूब बार सुना है कि जोधपुर बाबूजी है, तो राजाओं को बाप जी करने की आदत थी कि वो पिता तुल्य है, वो भगवान तुल्य, वो सम्माननीय आदमी है। तो एक बंदा है जो राजा है इसलिए उसे क्या कहा गया, बाप जी। राजा की उपाधि क्या है, आगे बात समझे, और बापा रावल का कोई मतलब नहीं, रावल का मतलब है राजा, रेस्पेक्टेड है इसलिए बंदे को क्या बोल दिया गया। नागदा के आसपास के इलाके में रहता है, कौन से इलाके में रहता है, यहां पर एक भगवान शिव के भक्त रहते हैं जिनका नाम है हरित, क्या नाम है, हरित ऋषि नाम है, हरित ऋषि नाम के एक संत रहते हैं जो कौन से भगवान के भक्त है, शिव, शिव जी के एक भक्त है। अक्सर आप किताबें वगैरह पढ़ते हो तो किताबों में पढ़ते हो कि बापा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था, क्या चराता था, इसका लिटरली ये मीनिंग नहीं लेना होता, इसका मतलब ये है कि आपके पापा गांव के अंदर रहते हैं, आपके पापा ने आपके गांव की गौशाला को 50,000 रुपए दिए कि चारा खरीद लेना, आपके पापा ने आपकी गांव की गौशाला को 50,000 रुपए दिए क्या खरीद लेना, अब गांव की गौशाला वो जो अनुयायी था, ही वॉज फॉलोवर ऑफ सेंट हरित या डिसाइपल ऑफ सेंट हरित। चित्तौड़ में इन दिनों एक राजा राज कर रहा था, इसका नाम था मान मौर्य, क्या नाम था, क्या नाम है, कौन थे भगवान जाने, कौन से मौर्य हैं कोई पता नहीं, वास्तव में तो इस आदमी का नाम ही लिखा हुआ है मान मौर्य, क्या लिखा हुआ है, अपने इतिहासकारों ने तुक्का लगा के सेट किया कि शायद मौर्य है, इस आदमी का नाम मान मौर्य नहीं है, इस आदमी का नाम क्या है, मान मौर्य। फिर इनका मौर्य मौर्य रहे होंगे और तो कौन रहे होंगे, अब ये कौन थे कहां से आए थे इसके बारे में अपने पास कोई भी जानकारी नहीं, पर चित्तौड़ में इस नाम के राजा हुए थे। इससे पहले वालों के नाम के आगे भी ये सरनेम लग रहा है, इसके नाम के आगे भी ये लग रहा है, बापा रावल इसका भांजा है, बापा रावल कौन है इसका, मान मौर्य का भांजा है। तो मैं हमेशा इस बात पे भी हंसता रहता हूं जब कोई कहता है नहीं सर बापा रावल तो गाय चरा था, अरे मगो चित्तौड़ के राजा का भांजा था, गरीबड़े की तरह मानी क्यों रहे उसको कि बापड़ा इधर टाइम पास करता हुआ घूम रहा था, चित्तौड़ के राजा ने अपनी बहन किसी को दी होगी, थोड़ा बहुत लखनवाला आदमी रहा होगा, गवालियों को ले जाके तो पकड़ा ही नहीं होगी कि बहन तू रख ले हमारे से संभल नहीं रही, तू रख ले इसको ब्याह कर लेते रहा इससे, वो कोई छोटा मोटा जमींदार तो रहा होगा यार। हुआ ये कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा कर लेता है, कहां पे कब्जा कर लेता है, भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कोई है तो वो कब का है, कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम, कहां पे कब्जा करता है, सिंध पे कब्जा करने के, अरब थे ये, कौन से मुसलमान थे, अरब लोग थे, अरबों ने जब सिंध पे कब्जा कर लिया तो अरबों का अगला टारगेट चित्तौड़ है, अगला टारगेट क्या है, वो कह रहे थे अब चित्तौड़ पे हमला करेंगे, चित्तौड़ पे हमले की वो सोच रहे थे, इधर उन्होंने छिटपुट छिटपुट हमले करने शुरू कर दिए थे, चित्तौड़ का राजा कौन है, और मान मौर्य के मंत्रियों को पता था कि अपना राजा बेलखना है और अपने राजा से चित्तौड़ पर यदि उन्होंने बड़ा हमला कर दिया तो अपने राजा से पार नहीं पड़ेगी, तो कौन बंदा हो जो पार पटक सके, कौन बंदा हो जो लड़ सके, तो उनका अपना भांजा, भांजा कौन है, काल भोज कदो या बापा रावल, इसलिए चला के नागदाए और इन्होंने आके कहा कि भांजे ये तेरा मामा तो बेलखना है, तू चल चित्तौड़ और चित्तौड़ चल के राजा बन ताकि कल को अरबों का आक्रमण हो तो इसको रोका जा सके। इसलिए बापा रावल 734 में चित्तौड़ जाता है, मामा जी को हटाता है यहां से और खुद वहां का राजा बनता है। आएगा समझ में, लिखो 734 ईस्वी में, इन 734 एडी, 734 ईस्वी में, इन 734 एडी इसने मान मौर्य को हराया, ही डिफीटेड मान मौर्य, इसने मान मौर्य को हराया, ही डिफीटेड मान मौर्य, इसने मान मौर्य को हराया, ही डिफीटेड मान मौर्य, तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर चित्तौड़। अब एक बड़ा किला मिल गया इनको,
तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, एंड कैप्चर चित्तौड़। कहां पर कब्जा कर लिया? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पहले नागदा के छोटे मोटे जमींदार रहे होंगे, और अब कहां पर कब्जा करके बैठ गए? चित्तौड़। इसका मतलब गोहिलों में पहला बड़ा राजा कौन हुआ? परावल। चित्तौड़ जैसी जगह पे कब्जा कर पा रहा है। पर इसने कहा भले ही तुम चित्तौड़ का किला दे दो, किले की मैं रक्षा कर दूंगा, पर यार गांव नहीं छूटे, हम राजधानी तो हमारी कहां रखेंगे? तो बापा रावल भले ही चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है, फिर भी राजधानी किसको बना के रखता है? देखो राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा उदयपुर में जगह पड़ती, राजधानी नागदा। अच्छा बापा रावल कौन से ऋषि को मानता था? हरित ऋषि। हरित ऋषि कौन से भगवान को मानते थे? शिवजी। तो ऑब्वियस सी बात है बापा रावल शिवजी को मानेगा, तो नागदा को राजधानी बनाते हैं, यहां पे शिवजी का मंदिर बनवाता है। शिवजी एकलिंग, एकलिंग बोलते, तो यहां पे किसका मंदिर बनवाया उसने? एकलिंग, लिख लो, नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट एकलिंग टेम्पल इट नागदा।